इसमें लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड शॉपिंग, प्राइस है इसकी 119 रुपीज। हाय गाइस, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, सेफ हो, अपने घर पे हो। एंड मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ बिकॉज आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को भी हिट कर लेना। मैं हर तरीके की वीडियो शेयर करती हूँ, चाहे मेकओवर हो, ब्लॉग हो या फिर शॉपिंग हॉल हो, मैं हर तरीके की वीडियो शेयर करती हूँ। मतलब मैं जो भी करती हूँ सब कुछ शेयर करती हूँ। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइटल्स आपको क्लियर है आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। यहाँ सूरत में चीजें थोड़ी नॉर्मल हो गई है, इसलिए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आज मैं डीमार्ट गई थी। एंड वहां पे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं जिसमें आपको डीमार्ट का लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा। एंड वीडियो के एंड में आपको शॉपिंग हॉल देखने को मिलेगा, मतलब मैंने जो चीजें परचेस करी है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है पर ठीक है, जो भी मैंने परचेस किया वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो जिनको बस हॉल देखने का मन है वो लोग वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड जिनको वहां का कलेक्शन देखने का मन है वो लोग मेरे साथ बने रहिए। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा चीजें रिकॉर्ड नहीं की है बिकॉज आपको भी पता है वहां पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत किया है। ओके सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो ये दोपहर 2 बजे की क्लिप है। आज रश था वहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं था। मैंने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए थे, लाइक डबल मास्क लगाया हुआ था एंड सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया। एनीवे अभी बात करते हैं कलेक्शन की। तो वहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। कंटेनर्स का प्लास्टिक के कंटेनर्स भी अवेलेबल थे एंड ग्लास के कंटेनर्स भी अवेलेबल थे। ये जो ग्लास के बॉटल्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था। अगर आप ये अमेजोन में लेने जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी महंगा है एंड यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। अदर डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक बिग बाज़ार हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया, स्टार बाज़ार हो गया, इनके कंपैरिजन यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। सो यहाँ पे शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और छोटे छोटे क्लिप्स आपको देखने को मिल रहे होंगे बिकॉज मैंने बहुत जल्दी में शॉपिंग की थी। 45 मिनट्स में मैं शॉपिंग करके निकल गई थी। यूजुअली डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं शॉपिंग करने में, पर यहाँ पर मैंने 45 मिनट्स में शॉपिंग की एंड इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी की। देन कंटेनर्स के अलावा लंच बॉक्सेस का भी अच्छा खासा कलेक्शन था। लाइक ये जो आप लंच बॉक्सेस देख रहे हो ये सब 100 से 200 तक के रेंज का है जो कि काफ़ी रीजनेबल है। देन ये जो रेड एंड ब्लू कलर के कंटेनर्स आप देख रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे, क्यूट से प्लास्टिक के कंटेनर्स है ये। छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए काफ़ी अच्छा है, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गया। मैं इसे परचेस करने वाली हूँ, बस 59 रुपीज़ का है ये। इसके अलावा आप देख सकते हो ट्रेज एंड बोल्स का कलेक्शन, कुछ नया नहीं था इसमें, ये सब मैं पहले भी देख चुकी हूँ, पुराना ही कलेक्शन है। देन कॉफ़ी मग्स मुझे नए नए नज़र आए, लाइक 100 से 200 तक के रेंज में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कॉफ़ी मग्स एंड ग्लासेस अवेलेबल थे। बहुत क्यूट से प्रिंट्स बने हुए थे ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको वेजिटेबल बास्केट्स अलग अलग साइज़ में अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे। लॉन्ड्री बास्केट्स भी अवेलेबल थे, ये सब पुराना कलेक्शन है, मैं पहले भी देख चुकी हूँ, बट हाँ डिस्काउंट था मे बी लॉकडाउन की वजह से। देन ये जो शॉपिंग बोर्ड आप देख रहे हो ये बस 179 रुपीज़ का है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, उस हिसाब से मुझे प्राइस काफ़ी सही लगा। देन कुकवेयर्स का कलेक्शन आप देख सकते हो, वही पुराना कलेक्शन है इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो शेयर किया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार आप चेक कर लेना। देन लास्टली मैंने देखा कि कलरफुल प्लांटर्स भी अवेलेबल थे काफ़ी रीजनेबल रेट में। इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लाइक अमेजोन में आपने जो देखा होगा कलरफुल प्लांटर्स उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये वाला उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर प्राइस के हिसाब से ठीक है। देन मैंने यहाँ पे देखा प्लांट्स के नीचे जो प्लेट्स रखते हैं ना वो भी अवेलेबल थे, ये पहले मैंने नहीं देखा था, इसी बार मैंने देखा। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे पॉट्स का कलेक्शन। ओके गाइस, सो मैं घर आ गई हूँ और ये है मेरी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग। सारे प्रोडक्ट्स को मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है। ये मेरी मंथली शॉपिंग नहीं है, कभी कभी बीच में जो चीज़ें घट जाती है ना ये वो वाली शॉपिंग है। एंड ये मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ किचन के लिए कंटेनर्स परचेस किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके ओके गाइस, सो आपने वहाँ का कलेक्शन तो देख लिया है, अभी मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने परचेस करी हैं। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं बिकॉज अभी हाल ही में मैंने किचन के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरा किचन हॉल वीडियो, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट आइटम, प्लास्टिक कंटेनर। इस तरीके का मैंने 3 लिया है पर मुझे 4 चाहिए था, घर आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ।
प्राइस है इसकी 119 रुपीज। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छी है, देखने में काफी स्टाइलिश है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, एयर टाइट कंटेनर है। इसमें मैं मैदा, सूजी या फिर बेसन रखने वाली हूँ। पल्सेस वगैरह रखने के लिए भी ये काफी अच्छा है, सो अगर आप डीमार्ट चाहते हो तो इसे खरीद सकते हो, बिकॉज ये काफी अच्छा लगा मुझे। देन मैंने कुछ इस तरीके के कंटेनर्स परचेस किए हैं, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आई थिंक ये ब्लू में भी अवेलेबल था पर मुझे रेड बहुत अच्छा लग रहा था। एंड प्राइस की बात करें तो एक मैंने छोटे साइज में लिया है, प्राइस है इसकी 39 रुपीज, इनकी प्राइस है 59 रुपीज। एंड बहुत ही क्यूट है, इसमें मैं क्या रखूंगी आपको मेरे आने वाले वीडियो से पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, एंड आई रियली लाइक्ड इट। सबसे अच्छी बात काफी अफोर्डेबल है, डिमांड में ना बहुत ही अफोर्डेबल चीजें मिल जाती हैं, यही देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ नहीं भी लेना हो ना तो वहां जाके कुछ ना कुछ तो हम ले ही लेते हैं। देन मैंने कुछ इस तरीके बोल लिए हैं, दो लिए हैं मैंने, ये देखो आपको इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, व्हाइट में था, रेड में था, बहुत सारे कलर ऑप्शन थे। मैंने ब्लैक लिया स्पेशली वीडियो के पर्पज से, लाइक वीडियोज में क्या होता है ना, अगर आप ब्लैक प्लेट में, ब्लैक बोल में खाना सर्व करते हो तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे से निखर के आता है। अगर खाना टेस्टी ना भी हो तो फिर भी टेस्टी दिखता है, तो मैंने इसे YouTube के पर्पज के लिए लिया है, अगर इनकेस खाना अच्छा ना भी बने तो एटलीस्ट टेस्टी दिखे। बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफी अच्छी है, स्ट्रांग है। एंड प्राइस की बात करें तो बस 69 रुपीज, जो कि काफी अफोर्डेबल है, सो या बहुत अच्छा है। देन मैंने अपने डॉटर के लिए ग्लास लिया है, मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ ना तो अपनी डॉटर के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ, चाहे कॉफी मग हो, ग्लास हो या फिर बॉटल हो, कुछ ना कुछ लेती हूँ। एंड इस बारी मुझे ये न्यू देखा इसलिए मैंने लिया, इसमें लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड शॉपिंग। प्राइस है इसकी 149 रुपीज। एंड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, लिड के साथ आया है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है। एंड ये ना मेलामाइन का बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आपको विजिबल ना हो। एनीवे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, व्यू को बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश है इसे देखकर, सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देन मैंने कुछ इस तरीके के ग्लास जार लिए हैं, काफी छोटा सा है ये, इस तरीके का मैंने 3 लिया है, ये आप देख सकते हो। ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, मैंने क्यों लिया अभी तक नहीं पता है, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ, इसमें क्या रखने वाली हूँ, पर आई नो ये काम में आ जाएगा, बिकॉज किचन में ऐसी कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो रखने में ये काम आ जाएंगी, मुझे पता है। एंड बात करें अगर इसकी क्वालिटी की तो कैप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, बस ये 29 रुपीज का है जो कि काफी अफोर्डेबल है। देन लास्टली गाइस मैंने अपने लिए डायरी ली है, मेरे पास अभी जो डायरी है ना वो ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, सो ये मैंने लिया, मेरे लिए फिलहाल ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड प्राइस की बात करें तो मुझे प्राइस ध्यान में नहीं है, इसका जो एक्चुअल पैकेट था ना, बाहर का जो प्लास्टिक था वो मैंने निकालकर फेंक दिया है, सो प्राइस मुझे याद नहीं है, बट बेसिक डायरी है, कुछ खास नहीं है। ओके सो ये था आज का शॉपिंग, दैट्स इट गाइज, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते तो हो लेकिन बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, लाइक कर देना। एंड चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।